लेबनान के हिजबुल्ला संगठन ने इसराइल के गोलानी मिलिट्री बेस पर हमला किया। इसराइल डिफेंस फोर्स के मुताबिक इस हमले में 4 सैनिकों की मौत हो गई है और कम से कम 58 सैनिक घायल हुए हैं, इनमें 7 गंभीर रूप से घायल हैं। यह हमला राजधानी तेल अवीव से 40 मील दूर हाइफा के बिन्यामिना टाउन में हुआ है। इसराइल ने कहा है कि जिन सैनिकों की मौत हुई, हम उनके परिवार वालों के साथ हैं। हम नहीं चाहते कि ऐसे मौके पर कोई अफवाह फैलाए और घायलों के नाम उजागर करे। इजरायली मिलिट्री के प्रवक्ता डैनियल हगावी ने कहा कि हम इस घटना की जांच कर रहे हैं और कोई भी ड्रोन बिना किसी वार्निंग के इजरायली हवाई सीमा के अंदर कैसे आ सकता है, इसकी जांच हो रही है। हमें बेहतर सुरक्षा करनी चाहिए थी। हिजबुल्ला ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। संगठन ने कहा कि उसने IDF के ट्रेनिंग बेस पर ड्रोन की बरसात कर दी। हिजबुल्ला ने कहा कि उन्होंने उन जगहों पर विस्फोट किया जहाँ पर इजरायली सैनिक मौजूद थे। वो लेबनान पर हमले की तैयारी के लिए योजना बना रहे थे।